बिजनेस लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। पलवल में दहेज के लोभियों ने नवविवाहितों को दिया जहर, महिला की मौत। हरियाणा में दहेज के लिए हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पलवल से है, जहां दहेज के लोभियों ने महिला को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। दहेज की मांग को लेकर एक महिला की जहर देकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के साथ नामजद लोगों के खिलाफ दहेज हत्या मामला दर्ज कर लिया है। महिला की एक साल पहले शादी हुई थी। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच अधिकारी ASI संजय कुमार ने बताया कि राजीव नगर निवासी सतीश ने शिकायत देकर बताया कि उसकी बहन संतोष की शादी गांव आलापुर निवासी योगेश के साथ फरवरी वर्ष 2018 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोग संतोष को प्रताड़ित करने लगे थे। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में 2 लाख रुपए नगद व एक कार की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न करने पर संतोष को उसके पति योगेश, ननद सोनिया, सोहम, चंचल, ससुर जल सिंह, सास कमलेश व नंदोई ने जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS Hindi ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने